उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और वो इस बार अपने खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी के बदौलत नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव ने ISC 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ कीर्तिमान रच दिया है। इस बात की जानकारी खुद अखिलेश यादव ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि बेटी अदिति को ISC 12वीं की परीक्षा में 98% स्कोरिंग प्राप्त हुई है। उन्होंने आगे लिखा कि हमें उन सभी छात्रों पर गर्व है जिन्होंने कठोर परिश्रम किया व हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अदिति को ट्विटर पर खूब बधाइयां मिल रही हैं और वो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रही हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE बोर्ड ने ICSE की 10वीं और ISC की 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे शुक्रवार शाम को घोषित किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.5 लाख छात्र ICSE बोर्ड परीक्षा 2020 और ISC बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित थे। इस साल ISC यानी कि 12वीं की परीक्षा में 96.8% छात्र पास हुए हैं। इसके अलावा CISCE बोर्ड के सचिव गेरी आराथून ने कहा कि इस साल असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। जो भी छात्र अपने परिणाम 2020 से संतुष्ट नहीं होंगे वे दोबारा से चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर।